आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार को भारत चीन की सीमा पर चीन सेना के साथ हुई गोलीबारी में बिहार के सहरसा जिले का लाल आर्मी जवान कुंदन कुमार शहीद हो गए। कुंदन कुमार आर्मी जीडी का जवान था। जिला के बेहरा थाना क्षेत्र के आरण वार्ड संख्या 13 गांव के निमिंदर यादव का छोटा पुत्र था शहीद जवान कुंदन कुमार, जो वर्ष 2012 में आर्मी जवान के रूप में योगदान लेकर लद्दाख में कार्यरत था। जवान की शहादत की खबर देर रात करीब 10 बजे कॉल पर सैनिकों द्वारा दी गई। शहादत की खबर मिलते ही माता पिता और पत्नी की चीख पुकार से पूरा गांव मातमी सन्नाटे में तब्दील हो गया। वर्ष 2013 में मधेपुरा जिला के घैलाड़ में कुंदन कुमार की शादी हुई थी, जिससे संतान के रूप में उन्हें दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रोशन कुमार जो 5 वर्षीय था और छोटे बेटे का नाम राणा कुमार है जो 3 वर्षीय का है। कुंदन कुमार की शहादत से इन दोनों मासूमों के सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। कुंदन जी ने 10 बजे रात में कुंदन जी का फोन आया घर के नंबर से कि आरण गांव का कुंदन कुमार जो है वह चीन के बॉर्डर में लद्दाख में वह शहीद हो गया है। इसके लिए हम लोगों को देश के लिए वह कुर्बानी जो किया कुर्बानी है और ये आरण जिला सहरसा का हुआ बहुत बड़ा मैंने के लिए शहीद हुआ, इस देश के लिए शहीद हुआ। इस परिवार का मान सम्मान जो है वह लड़का बहुत ऊंचा करके गया है। आप कौन हुए शहीद के? और इस शहीद के कुंदन कुमार जो है उनके चाचा है, मेरा नाम महेंद्र प्रसाद यादव है। शहीद जो है उस पर आप क्या करना चाहेंगे देश के संबोधन में? हाँ, वो शहीद देश के हुआ, देश की लड़ाई के लिए शहीद हुआ है तो उसके लिए तो हम लोगों को बहुत बड़ा गर्व की बात है। इस समाज का, इस देश का, इस जिला का, इस राज्य का बहुत बड़ा गर्व है इस लड़का के प्रति।